नमस्कार एवरीवन, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेस्टोरेंट कैसे ऑपरेट होता है, जब कस्टमर आते हैं कैसे विश किया जाता है, कैसे उसको टेबल में बैठाया जाता है, फिर उसको कैसे ऑर्डर लिया जाता है और वो जो ऑर्डर देता है वो केओडी के किचन में कैसे प्लेस करते हैं। तो पूरा रेस्टोरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए हम दिखाएंगे पूरा, तो लेट्स फॉलो। वीडियो में FMB मैनेजर का रोल निभाएंगे सूरज सिंह, हमारे वेटर का रोल निभाएंगे प्रशांत दत्त, और ये है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट कैप्टन, आपको सिखाएंगे कि कैसे रेस्टोरेंट ऑपरेट होते हैं। ये हो गया ग्रीटिंग पार्ट, गेस्ट आने का 30 सेकंड के अंदर आपको विश करके उनको इस तरह से बैठाना चाहिए। तो अभी आपको जैसे गेस्ट बैठ गया आपको पूछना है इसी तरीके से कि आप RO वाटर लेंगे या बिस्लरी वाटर। सर, या बिस्लरी वाटर या RO वाटर। RO वाटर, जैसे ही गेस्ट RO वाटर बोलते हैं तो आपको पूछना है कि ये रूम टेम्परेचर और चिल्ड चाहिए। अगर चिल्ड चाहिए तो आपको ठंडा देना पड़ेगा, अगर RO वाटर रूम टेम्परेचर चाहिए तो आपको रूम टेम्परेचर चाहिए। तो लेट प्रोसीड। सर, टेम्परेचर कौन सा रहेगा? रूम टेम्परेचर। पानी हमेशा से राइट साइड से सर्विस किया जाते हैं और पानी के जो ग्लास है उसका नाम है वाटर गॉबलेट। ओके, पानी हमेशा से गेस्ट के राइट साइड से सर्विस किया जाता है एज पर सर्विस स्टैंडर्ड। तो हमारा ये पानी सर्विस का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट। अभी हम लोग कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे मेनू, रेस्टोरेंट मेनू। जैसे अपनी वाटर सर्विस ख़त्म होता है तो आपको गेस्ट को इस तरह से मेनू कार्ड देना है जिसमें आपका सभी आइटम्स रहेगा प्राइस के साथ। कस्टमर को दो पाँच मिनट समय देना है आपको मेनू में जो बेस्ट चीज़ है उनको पसंद करने के लिए। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर सेल आप करना है जब कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो आपको जो अकम्प्लिशमेंट है, पापड़ है, बटर मिल्क है, लस्सी है, ये सब चीज़ के लिए पूछना चाहिए। अगर गेस्ट भूल जाता है तो सैलेड, और आपका उस दिन का वो जो स्पेशल डिश सेफ ने बनाया अगर उनको जानकारी नहीं तो कस्टमर को वो जानकारी देना है। तो इसमें क्या सेल आप होता है, सेल बूस्ट होता है। हमारा ऑर्डर लेने का प्रोसेस हो गया, हम लोग अभी ये केओटी को किचन में प्लेस करेंगे, ये होगा स्टेप 4। तो अभी इस तरह से केओटी रेस्टोरेंट से लेके यहाँ पे किचन सुपरवाइजर का हाथ में आता है, फिर वो खाना तैयार हो करेगा, खाना जैसे ही तैयार होगा आपको दे देगा, आपको ले जाके कस्टमर को सर्विस कर। आपका खाना तैयार हो जाएगा, किचन सुपरवाइजर आपको बताएगा इस प्रकार से, टेबल नंबर 15 पिकअप। बिफोर डूइंग सर्विस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टेबल की सेटअप, वाटर प्लेट, फोक, स्पून होटल का स्टैंडर्ड के ऊपर है और क्या क्या होना चाहिए। बट बेसिक ये चीज़ होना चाहिए, फोक, स्पून और क्वार्टर प्लेट और पानी का ग्लास भरा हुआ होना चाहिए, ये तीन चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर, जब आपका खाना आ जाए जो भी डिश होगा उसका एकम्प्लिशमेंट शेप के हिसाब से आपका जानना जरूरी होगा कि उसके साथ एकम्प्लिशमेंट क्या आता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा भी खाने के साथ एक एक एकम्प्लिशमेंट जाता है, जैसे ये हमने मैक्सिकन टिक्की बनाया है तो उसके साथ सालसा सॉस है, तो वो जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग दिखाएंगे कि इस खाना सर्विस कैसे होते हैं। खाना हमेशा से लेफ्ट साइड से सर्विस होता है, इसका भी कोई लॉजिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे ही कस्टमर एक बाइट्स लेते हैं तो आपको टेस्ट के बारे में पूछना है कि सर ये टेस्ट बराबर है कि नहीं है, उसमें क्या कस्टमर का इम्पोर्टेंस बढ़ता है, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, उनको जो खाना सर्विस हुआ वो प्रॉपर आपने खाना उनको दिया है। जो आपको इसमें दोहराता है कि खाना हम आप जब भी पूछते हैं हम ऐसा कुछ उसके मतलब हम कॉन्फिडेंट है कि खाना अच्छा है ही, जब हमको लगता है कि नहीं खाना अच्छा नहीं तो हम ऐसा नहीं पूछ सकते। तो पहले कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट है
तब वो कॉन्फिडेंट होगा। तो आप ही सभी को ऐसा पूछना चाहिए पहला बाइट्स के बाद कि सर कैसे था, बराबर है। ऐसे ही स्टार्टर या खाना या सूप चाहे कुछ भी हो ख़त्म हो जाता है तो आपको कस्टमर को रनिंग या रिपीट के लिए पूछना चाहिए, जो हम लोग रनिंग के नाम पे ज़्यादा परिचित हैं होटल इंडस्ट्री वाले। बाकी रिपीट के लिए पूछना है कि सर कैन आई रिपीट वन, आप उसको रिपीट करना चाहेंगे अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो। इसमें क्या सेल को आप बूस्ट कर सकते हैं। सर कैन आई रिपीट वन मोर? नो थैंक्स। खाना ख़त्म हो जाता है आपको कस्टमर को पूछना चाहिए कि आप सर प्लेट ले सकता हूँ कि नहीं। बस जैसे आपने कस्टमर ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया तो आपने क्लियरेंस के लिए प्लेट उठा लेना है आपको तुरंत। 3-स्टार 4-स्टार स्टैंडर्ड के होटल्स में कस्टमर को हाथ धोने के लिए ये बाउल दिया जाता है, इसको कहते हैं फिंगर बाउल, जिसमें आपको स्लाइस कट में लेमन रहता है और हल्का वार्म वाटर और कोल्ड वाटर मिक्स किया जाता है, ये हाथ धोने के लिए कस्टमर को दिया जाता है। तो इस प्रकार के जैसे ही हाथ धो लेते हैं वो नैपकिन से हाथ साफ करते हैं, फिर आपको इसका भी क्लियरेंस ले लेना है। पर जो कुछ भी लेना है आपको कस्टमर को पूछ के लेना है। वो जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता है फिंगर बोल ले लेते हो तो आपको ऑफर करना चाहिए कस्टमर को कि आज का स्पेशल डे में कुछ डिज़र्ट है क्या, आइसक्रीम है, गुलाब जामुन, जो भी आप सर्विस करते हो ऐसा स्पेशल डिश के बारे में डिज़र्ट के लिए पूछिए, इसमें आपका सेल आप होगा, अपसेल होगा। जैसे ही डिज़र्ट ख़त्म हो जाता है फिर आपको कस्टमर को फीडबैक पूछना है, और आपका जो भी रिव्यू सिस्टम होगा, फीडबैक सिस्टम होगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, रिव्यू फॉर्म हो, वो रिव्यू फॉर्म पर रिक्वेस्ट करके आपको फीडबैक लेना है, और यहाँ पर आपका एक सर्विस कम्प्लीट होना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आप सबके ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे, आज यहाँ तक ही मिलते हैं, फिर थैंक यू।